गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी गेटवेज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का मेरा वीडियो है रिव्यू वीडियो, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस VLCC एंटी टैन फेशियल किट को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है VLCC का एंटी टैन फेशियल किट। ये सिंगल यूज किट है, लेकिन इसमें इनफ प्रोडक्ट है कि अगर आप घर पे करें तो इसको दो बार आप इजिली कर सकते हैं। ये एक 6-स्टेप फेशियल किट है, और इसका हर प्रोडक्ट ऐसे छोटे ट्यूब्स में आता है जो बहुत ही कन्वीनियंट है टू यूज़, और इसको एक बार यूज़ करने के बाद भी आप बहुत ही आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, और इसका MRP है ₹250, लेकिन मैंने इसके लिए पे किया है सिर्फ 155, क्योंकि मुझे ऑफ़र में मिला फ्रॉम amazon.in। परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि वहाँ से आप भी परचेज कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज द कॉम्फ्रे क्लेंजर कम टोनर। ये क्लेंजर बहुत ही लिक्विडी, फ्लोई, मिल्क कंसिस्टेंसी की है। इसको थोड़ा सा अपने हाथों पे ले और अच्छी तरह से अपने फेस पे लगाकर इसको मसाज कीजिए इन सर्कुलर मोशन, और फिर इसको वाइप ऑफ कर दीजिए। मैं अभी अपने फेस को वाइप करने के लिए एक वेट टिश्यू ले रही हूँ, लेकिन आप घर पे इसको पानी से भी धो सकते हैं, जो कि मोर कन्वीनियंट है। नेक्स्ट स्टेप है ओटमील स्क्रब। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक पेस्ट की तरह, और इस पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपके फेस को स्क्रब करता है। इसको भी आप अच्छी तरह से अपने फेस पे लगाइए और फिर मसाज कीजिए फॉर 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद इसको रिंस ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है मेला वाइट जेल। ये कुछ इस तरीके की क्लियर जेल है जो आपके स्किन पे फटाफट से अब्सॉर्ब हो जाता है। आपको इसको अपने स्किन पे अप्लाई करना है और बहुत ही लाइट फिंगर से इसको मसाज करना है, जब तक कि आपके स्किन पे अब्सॉर्ब ना हो जाए। याद रखिए, इसको आपको रिंस या वाइप नहीं करना है, इसको बस अपने स्किन पे अब्सॉर्ब करवाना है। नेक्स्ट स्टेप 4 में है हमारा पिस्ता मसाज क्रीम। ये एक पिस्ता कलर की क्रीम है, थोड़ा सा ऑयली है, लेकिन मसाज के लिए इतना थोड़ा ऑयली होना तो रिक्वायर्ड ही है। इसको भी फेस में अप्लाई कीजिए और 5 to 10 मिनट्स तक इसको सर्कुलर मोशन भी मसाज करते रहिए। अगर मसाज करते करते क्रीम सूख जाए तो फील फ्री टू यूज़ सम रोज़ वाटर और नॉर्मल वाटर टू कैरी ऑन द मसाज। स्टेप 5 में है हमारा पैक, विच इज़ द मेला वाइट पैक। ये एक बहुत ही थिक पेस्ट कंसिस्टेंसी की है। सिर्फ आई एरिया को छोड़ के इसको बाकी फुल फेस एंड नेक में अप्लाई करना है और 10 टू 15 मिनट्स तक इसको रख देना है। दस पंद्रह मिनट बाद जब ये सूख जाए तो अपने फेस को धो लीजिए। आखिरी स्टेप है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल, जो कि एक सनस्क्रीन है विद SPF 15 एंड PA+ प्रोटेक्शन। अगर आप सुबह में ये फेशियल करते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए आफ्टर फेशियल, लेकिन अगर आप सनसेट के बाद शाम को ये फेशियल करते हैं तो इसको तभी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप बाद में भी एज अ नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को। प्रोज में फर्स्ट है कि काफ़ी हद तक टैन एक ही यूज़ में रिमूव कर देता है। सेकंड है इसका स्मेल, जो बहुत ही प्लेजेंट एंड रिलैक्सिंग है। थर्ड है कि ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ऑयली स्किन वाले भी इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं।
फोर्थ है इसका पैकेजिंग जो बहुत ही कन्वीनियंट है। इसको आप हैसल फ्री वे में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं और इसको आप लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं। फिफ्थ है इसका क्वांटिटी, ये एक सिंगल यूज़ किट है लेकिन आप इससे दो बार फेशियल इजीली कर सकते हैं। सिक्स्थ है इसका प्राइस जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, प्लस इसके MRP में भी आपको डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स में। नेक्स्ट है इसका कॉन, जो सिर्फ एक ही है कि इसमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं किया गया है। आपको इसके पैकेट में दिखाई देगा कि ये लिखा है कि स्क्रब इज़ एनरिच्ड विद ओटमील, जेल इज़ एनरिच्ड विद क्यूकम्बर एंड एलोवेरा, लेकिन एक टोटल इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होना चाहिए वो इसमें मेंशन नहीं है, जो मुझे एक कॉन लगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।